है गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो कैसे गाइस, आई होप कि अच्छे होंगे। एंड अभी सुबह के आपका 10 बजने वाले हैं और मैं फर्स्ट क्लास नहा लिया हूँ और सुबह चूल भी कटाया, तो कैसा लग रहा हूँ प्लीज बताना जरूर आप लोग। एंड अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल फैंसी बाजार और घर का कुछ आइटम लाना था जो खत्म हो गया, तो चलते हैं। नहीं तो कल ही मम्मी बोला था लाने के लिए, कल हम तो थे नहीं, कल चले गए थे आपका थियो पानी उस तरफ। और तो चलते हैं फिलहाल घर का कुछ सामान लेते हैं। सो गाइस, एक्टिवा हम लोगों ने पार्क कर दिया इधर में और चलते हैं यहाँ से। कुछ घर का सामान लेना था आपका, तो कुछ कच्ची घानी तेल लेना है जो आपका फॉर्चून का आता है, और आपका ये ड्राई फ्रूट्स लेना था खजूर, वो तो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे देखते हैं फॉर्चून का तेल जो मिल जाता है हम लोग को, वहाँ से लेने के बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। अभी हम कहीं नहीं मिल रहा यार इधर में आपका, जो हमको चाहिए कच्ची घानी चाहिए आपका, वो मिल नहीं रहा है। मिल रहा है आपका धारा और डबल सेल और धारा का चाहिए नहीं, अपने का चाहिए फॉर्चून का कच्ची घानी जो आता है वो बेस्ट आता है, तेल का क्वालिटी उसका बढ़िया है, तो हम लोग वही ढूंढ रहे हैं। देखते हैं आगे जाते हैं मार्केट में, उधर मिल जाने से तो अच्छा है। सो गाइस, फिलहाल मैं घर आ गया और आपका तेल तो मिला नहीं, खाली खजूर मिल गया, खजूर लेकर आ गए हम लोग घर। चलते हैं, भूख लग गया बहुत जोर का, खाना वाना खाते हैं। सो गाइस, अभी घर में हूँ और इनसे मिलिए, इनका नाम है निजारा और ये कल ही आई है। आई 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 आई, रोना नहीं रोना नहीं, इधर खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ इधर, हाँ खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ, आप यहाँ खड़ा हो जाओ, बढ़िया से, हाँ बढ़िया। यहाँ खड़ा हो जाओ, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ इधर। हमको दो, हमको हमको दो, पूरा पूरा खा जा, खा जा, हेलो हेलो, सो गाइस हम आ गए रोशन भाई के गली में और आगे से लेफ्ट वाला बिल्डिंग है, तो चलते हैं ऊपर। और बारिश एज यूजल फिर आ गया, अभी थोड़ा देर पहले छूटा था फिर बारिश आ गया, चलते हैं थोड़ा मिलते हैं इनसे, माँ क्या हालत है इनका पता चलेगा अभी ऊपर जाने से ही। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी रोशन भाई के घर में और ये महान पुरुष कल गिरे हैं हमारे खराब से, अभी तो ठीक हो गया लगभग, पट्टी सट्टी खोल दिया पूरा, पाँव में भी ठीक ही है, ज़्यादा लगा नहीं है, हल्का सा लगा है इस पाँव में और इधर हाथ में भी है, कम है, कल पट्टी बांध कर लग रहा था कुछ ज्यादा ही हो गया बोल के। कल कहाँ पे गिरा तुम, सही सही बताना, आप झूठ मत बोलना। बोला तो ये मेन पार्ट चली गई, कचरा का डिब्बा से थोड़ा सा आगे। क्या मतलब ब्रेक मार दिया ना, कोई ठोक दिया आगे? अबे एस एक्सल पीछे वाला ब्रेक ही मारता है, हम कल आगे वाला ब्रेक मार दिया ताकि हमसे इंस्टेंट लग जाएगा, और इंस्टेंट के चक्कर में एक्टिवा ऐसे वहां का वहां गिरा था कि हम पूरा स्केट खा गया। तो तुम उसके बाद प्रिंस तुम्हारे पास आया, प्रिंस था कहाँ का जो कॉल किया हो कि बोले उसका एक्सीडेंट हो गया बोल के? हम उसको कॉल करके बुलाया, हम बोला पैसा लेके और पट्टी करेगा, तो फटाफट दौड़ दौड़ के आया। बाइक चलाने का एक लिमिट होता है, बाइक नहीं नहीं एक्टिवा चलाने का, कुछ भी चलाओ, बाइक चलाओ या एक्टिवा चलाओ, उसका एक लिमिट होता है, दायरा होता है। ये महान मैंने मिला सुबह सुबह, पापा हम आए थे कल इनके घर में, तो अंकल जी बोल रहे बोले हम सुबह पूजा कर रहे थे, सही सही बताना, पूजा कर रहे थे ना अंकल, पूजा कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, अंकल मना किया कहाँ जा रहा है, ये उस्ताद बोले आ ही रहे हैं, अंकल जी आ ही गए। अंकल कल सुबह जी आप पूजा कर रहे थे, जब ही लेके गया गाड़ी, हाँ इसको मना किया रहे, हम ऐसे हाथ से दिखाया तो आ रहा है बोल के चला गया बोल के। क्या बोलेगा इसको, कल उमेश भी, तो उमेश भी थियो, उस दिन हम लोग जो थियो पानी गया था, उमेश इसी जा रहा है, आपका जो थियो पानी का जस्ट जो टर्निंग आता है वहाँ पे वो भी ब्रेक मारता है, और मारने के बाद क्या हुआ कि मतलब आगे कादो पूरा, मतलब कीचड़ बारिश दिया था, दूरी तो बारिश दे ही रहा है, उसमें चक्का स्लिप किया डायरेक्ट, नसीब अच्छा था कि मतलब आगे खाई था उसमें नहीं गया, नहीं तो हालत ख़राब हो जाता पूरा उसका, स्लिप किया डायरेक्ट, मतलब वो जो पेड़ नहीं था थियो पानी का रास्ता था, वहाँ पर जाकर दोनों कहाँ वापस घूम के आ गए, कहाँ तक गया था जंगल, हमें तो पूरा अंदर तक गया, हालत ख़राब हो गया था भाई, हम बोला हम लोग को लेकर चलो नहीं, खुद ही अकेला चला गया जाओ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे, रोशन भाई भी नीचे आ गया, कल ये लोग जिसे फोटो भेजा ना कसम से बोलता है, उस समय हमको लगा साला गया उसका हाथ पांव, देखता है इधर कितना बड़ा बैंडेज, इधर इतना बड़ा बैंडेज, क्या केतुला हो गया,
सामने से गाड़ी आ गई बिना पकड़े नहीं, वो तुरंत निकली गो बड़ी लगी लगी को नहीं थोड़ी लगे इधर में थोड़ा इधर देखो ना ये थोड़ा लगा है पाँव में भी तो लगा है इसका क्यों सुबह से गहराई में थोड़ा चाल का आता हूँ थोड़ा हालो तो थोड़ा ठीक है मम्मी पट्टी उट्टी खोल दी सुबह खोल दी तो ध्यान रखे पानी नहीं लगना चाहिए तुम सको गाँव सुखो को नहीं थे रोशन भाई का नाम हो गया पट्टी खोल दिया ना अब 3-4 दिन में आराम हो जाएगा हवा हुआ लगेगा नॉर्मल वो जल्दी से ठीक हो जाएगा लगा हाथ में लगा है भाई हमको खाली छोटा वाला दिखा था अभी दिख रहा हूँ इधर से पूरा छिला हुआ है पाँव में कमी लगा है घुटना में ठीक हो जाएगा भाई उल्टा पाँव में ज़्यादा दर्द हो रहा है हमको सलाइड उल्टा पाँव में ज़्यादा दर्द घुटना में लगा है कल हम सोचा लगा ना बोला एकदम ठीक है छोड़ो बाल प्रिंस को फोन किया कि भाई कहाँ है तुम नहीं आने से भी होगा तुम देख लो आ सकता है तो आ जाओ वो आके देखो बोलो तुम पागल है क्या हम बोला अभी घर पे मत बोलना घर पे नहीं जाएगा और एक्टिवा ठूक गया फिर गाली देगा क्योंकि 2019 में एक बार हो चुका था सर तो और ख़राब से हुआ था रोशन भाई पीछे जा रहे हैं इनको छोड़ते हैं जाने देते हैं थोड़ा रेस्ट करेगा भाई और पट्टी उट्टी खोल दिया तो अच्छा बात है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि हम लोग को थोड़ा बाहर भी निकलना है आपका ना तो इसीलिए हम आए थे थोड़ा इनसे मिल लिया तो अभी चलते हैं फिलहाल घर तो हम लोग आके यहाँ पर रुके हुए हैं जैसे रोशन से मिल के घर ही जा रहा था आपका पागल आदमी मोटा ही है गेंडा एक नंबर का जिम गया क्या किया जिम जाके हाँ तो वो तो है ही है तो कोई दिक्कत है तुमको उसका बारे में हमेशा है बोलते रहता हाँ तो है तो है अनिल समोसा का बगल में दुकान घर है उसका हमेशा याद करके रोते रहता हमेशा रोते रहता जब भी शायद का चाचा का कॉल लगा रहा तो गाइस इधर से जा ही रहा था हम घर यहाँ पे रुस्तम और नेपाली मिले आपका तो बात हो रहा है कि आपका हम लोग नेपाल धरा एक ठू वाटरफॉल है उस एरिया में जाने के लिए तो वही चीज़ के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद देखते हैं अगर जाते हैं तो ब्लॉग आप लोग कल मिल जाएगा देखने को तो गाइस बातचीत हुआ है आपका जस्ट देखते हैं हम लोग हो सके तो अभी 1 बज रहा आपका 2 बजे करीबन हम लोग नेपाल धरा के लिए निकलेंगे और तो वो ब्लॉग आप लोग कल देखने मिल ही जाएगा अगर आज जाते हैं तो अभी जाते हैं फिलहाल घर क्योंकि 1 बजने वाला है और खाना वाना खाकर और भाई लोग वो लोग निकलेगा गाड़ी लेकर तो जाएंगे नेपाल धरा एंड अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते गाइस और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जस्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।